press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर चिकित्सा विभाग बच्चों को विशेष खुराक देगा। आज अलवर के मुख्य चिकित्सालय कार्यालय में सीएमएचओ डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल और आरसीएचओ डॉक्टर ओपी मीणा ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 8 फरवरी को एक साथ सब जगह कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर हमारा चिकित्सा विभाग और उसके साथ में बाकी जो अन्य विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, ICDS है और भी अन्य विभाग हैं, उन सबको समन्वय करते हुए, सबका सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा विभाग के सारे कर्मचारी आंगनवाड़ी सब सेंटर लेवल तक के और ICDS के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगी हैं और अन्य विभागों के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, उन सब सारे कर्मचारी लगभग लाख के करीब कर्मचारी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे इस दिवस को सफल बनाने के लिए। बच्चों को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 8 फरवरी को पेट के कीड़े मारने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक दी जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि कृमि रोग संक्रमण के कारण फैलता है, इससे बच्चों में खून की कमी सहित कुपोषण का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। उसके बारे में समझने से पहले ये समझेंगे कि कृमि बच्चे के पेट में ये बच्चे के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। कृमि विभिन्न प्रकार से, तीन प्रकार के जो मुख्य रूप से इन्फेक्शन करने वाले कृमि अपने बिग बॉर और राउंड बॉर में, जिनको आप हिंदी में आपके कीड़ों के रूप में जान सकते हैं। इनका शरीर में इन्फेक्शन जिस बच्चे में पहले से ये कृमि के अंडे आंतों में पलते हैं और इन्फेक्शन के साथ में होते हैं, जैसे वो बाहर सोच के लिए जाता है, राजस्थान में कृमि रोगियों का प्रतिशत 40 से 50 है, जिसे गंभीरता से लेते हुए इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के बौद्धिक विकास में रुकावट ना हो।